हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूँ एडुनाइन में। आज का टॉपिक है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का पार्ट टू है। पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या तो आप एडुनाइन के चैनल जाकर देख सकते हैं। पार्ट वन में हम अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला देखे थे। आज इस वीडियो में हम एडवांस अलजेब्रा का फार्मूला देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है एडवांस अलजेब्रा का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा। दूसरा है इफ ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। अगर ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो है देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो है तो ए बी सी ये आपस में इक्वल होगा। इसका दूसरा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब हम जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो एडवांस अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है देन अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है और पूछेगा एक्स माइनस वन बाय एक्स क्या होगा। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है और हमसे पूछेगा एक्स माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर, इस ए को इसमें पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है और हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा तो a इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर, इस a को इसमें पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन ये सॉल्व हो जाएगा। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है और हमसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस टू। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इसको निकालना है तो ये ए स्क्वायर माइनस टू को टू में ए का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चौथा है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू ए है दिया होगा और एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब हमसे पूछा जाएगा तो ये होगा ए क्यूब माइनस थ्री ए। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए।
a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। पांचवा है x की द पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4 इक्वल टू, अगर x प्लस 1 बाय x इक्वल टू a दिया हुआ है और हमसे पूछा जाएगा x के पावर 4 और प्लस 1 बाय x के पावर 4, तो ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 2, ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 इक्वल टू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। और छठा है x the power 5 plus 1 by x the power 5, अगर इसका वैल्यू पूछा जाएगा तो ये होगा a क्यूब माइनस 3a, ब्रैकेट a क्यूब माइनस 3a, ब्रैकेट a क्यूब माइनस 3a, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर, ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए, माइनस ए एक्स एक्स के द पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स के पावर 5 ब्रैकेट ए क्यूब माइनस 3a और ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए। और इसका होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक ए का पावर 5 एक पावर 5 माइनस 5a क्यूब और होगा प्लस 5a, एस के पावर 5 प्लस 1 बाय एस के पावर 5 इक्वल टू ब्रैकेट a क्यूब माइनस 3a ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2 माइनस a। और ये हो दूसरा होगा a के पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a। अभी इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। If x minus 1 by x is equal to b, if x minus 1 by x is equal to b, then पहला है x plus 1 by x, अगर x minus 1 by x is equal to b दिया हुआ है तो हमें से पूछा जाएगा x plus 1 by x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका होगा root under b square plus 4, x plus 1 by x equal to root under b square minus 4, इस b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है x square plus 1 by x square, दूसरा है x square plus 1 by x square, इसका होगा b into root under b square plus 4, अगर x plus x minus 1 by x is equal to b दिया हुआ है और पूछा जाएगा x square plus 1 by x square इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका होगा b into root under b square plus 4, इस b का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तीसरा है x square minus 1 by x square, x square minus 1 by x square इसका होगा b square plus 4, x square minus 1 by x square equal to b square plus 4, इसमें भी हम b का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चौथा है x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equal to होगा, इसका होगा x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 इसका होगा
ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसका होगा x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 4 इक्वल टू ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू b दिया हुआ है, अब हमसे पूछा जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 क्या होगा, तो ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसमें हम b का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन अगर इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू दिया हुआ है तो x का हमेशा वैल्यू कितना होगा 1। अगर x प्लस 1 बाय x का वैल्यू 2 है तो x हमेशा 1 रहेगा। दूसरा है इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू माइनस 2, इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू माइनस 2 तो x का वैल्यू हमेशा माइनस 1 होगा। अगर x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, और x प्लस 1 बाय x का वैल्यू माइनस 2 है तो x का हमेशा वैल्यू माइनस 1 होगा। और तीसरा है इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू रूट अंडर 2 है, अगर x प्लस 1 बाय x इक्वल टू रूट अंडर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा। अगर x प्लस 1 बाय x इक्वल टू रूट अंडर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, हमेशा 0 होगा। x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर हमेशा 0 होगा अगर x प्लस 1 बाय x का वैल्यू रूट अंडर 2 है। और x का पावर 4 पूछेगा तो ये हमेशा माइनस 1 रहेगा। अगर x प्लस 1 बाय x का वैल्यू रूट अंडर 2 है तो x का पावर 4 हमेशा माइनस 1 रहेगा। चौथा है इफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू रूट अंडर 3 है, देन अगर x प्लस 1 बाय x का वैल्यू रूट अंडर 3 दिया हुआ है तो x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर x प्लस 1 बाय x का वैल्यू रूट अंडर 3 है तो x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब का वैल्यू हमेशा 0 होगा। और दूसरा है x पावर 6 इक्वल टू माइनस 1, और अगर x प्लस 1 बाय x का वैल्यू रूट अंडर 3 है तो x के पावर 6 हमेशा माइनस 1 में रहेगा, माइनस 1 आंसर रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।